मणिपुर में कुकी जनजाति के दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। जन अधिकार पार्टी के लोकतांत्रिक के द्वारा मणिपुर में कुकी जनजाति के दो महिलाओं के साथ दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा बर्बरतापूर्ण यौन उत्पीड़न के विरोध में गृह मंत्री अमित शाह का पूरे बिहार में राज्यव्यापी पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। उसी के तहत भोजपुर में भी जिला इकाई के द्वारा आरा समाहरणालय के पास गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह की अध्यक्षता में पुतला का दहन किया गया। जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने कहा कि मणिपुर लगातार 3 महीनों से हिंसा में जल रहा है। वही दो समुदायों के बीच हुए खूनी संघर्ष में लगातार लोगों की हत्या, यौन उत्पीड़न, आगजनी के मामले में वृद्धि हो रही है। अभी तक 200 से 250 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसके बावजूद मणिपुर सरकार शांति बहाल करने में विफल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश तिवारी ने कहा कि अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिनमें 2 कुकी महिलाओं को एक समुदाय के द्वारा गैंग रेप करने के बाद उनके कपड़े उतारकर पूरी भीड़ के सामने गंगा परेड करवाया गया। यह हृदय विचारक घटना मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख दिया है। मणिपुर के गुंगी और बरी सरकार वहां के लोगों को समस्याओं को दूर करने में नाकाम रही है और बोलती है यहां 1000 FIR हुए हैं। वीडियो वाले FIR का पता नहीं। इस तरह का बयान देना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर बवन यादव ने बताया कि वीडियो वाला घटना 4 मई की है। 18 मई को FIR होता है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यह गुंगी और बहरी सरकार क्या बिल्कुल सोई हुई है? पिछले 70 दिनों से इंटरनेट बंद है, इसलिए किसी को वहां का कोई खबर नहीं मिल पा रहा। जब वीडियो के माध्यम से मामला उजागर हुआ तो सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में है? उन्हें देश और राज्य में कोई मतलब ही नहीं रह गया। वही डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह प्रदेश महासचिव ने बताया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को भी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। वही युवा परिषद जिला अध्यक्ष लड्डू यादव ने कहा कि इस घटना की CBI जांच हो, स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को कम से कम फांसी की सजा देनी चाहिए। मुख्यमंत्री इस्तीफा देते और वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा की मांग की जा रही है। इस राज्यव्यापी पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति यादव, छात्र प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुमार, युवा शक्ति जिलाध्यक्ष अजय कुमार सुमन, अमरेश कुमार, अर्जुन यादव, सनोज यादव, पप्पू यादव, राजेश यादव, हरेंद्र यादव, संजय यादव, पप्पू गोप, रवि यादव, अरविंद तिवारी, छात्र जिलाध्यक्ष रजनीश तिवारी, रजनीश यादव, बंटी कुमार एवं सैकड़ों कार्यकर्ता के द्वारा पूरे बिहार में मणिपुर में जो कुकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसके विरोध में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। उसी के तहत आज भोजपुर टीम की इकाई भोजपुर टीम भी आरा समाहरणालय के पास पुतला दहन किया। आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले 3 महीने से मणिपुर में जो हिंसा का दौर चल रहा है जिसमें कम से कम 200 से 300 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, हजारों औरतों के साथ युवतियों के साथ बलात्कार हो चुका है, यौन उत्पीड़न का खेल चल रहा है, सैकड़ों मकानों को जला दिया गया, लेकिन मणिपुर की सरकार, वहाँ की प्रशासन एवं CM वीरेन सिंह ये लोग जो है कान में तेल लगाकर सोए हुए हैं। इन लोगों को किसी भी तरह का इन लोगों से वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो किसी तरह जो है डर के अपना जीवन जो है वहाँ गुजार रहे हैं। कब क्या हो जाए अभी भी वहाँ स्थिति बनी हुई है। 75 दिनों से जो है इंटरनेट जो है वहाँ पे बंद है और इंटरनेट बंद होने के चलते मीडिया के थ्रू किसी को कोई खबर नहीं मिल पा रहा। अभी जो है 2 दिन पहले वहाँ पे वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो 2 कुकी महिलाएं हैं उनके साथ जो नंगा नाच किया गया, गैंग रेप किया गया, उसके कपड़े को हटाकर नंगा परेड किया गया, इसकी इतनी भाषणा की जाए वो कम है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि वहां की प्रशासन और सरकार क्यों चुप है? आज क्या जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो है उनको दिख नहीं रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है?
तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन जितने लोग इस युवती के गैंग रेप में शामिल हैं उनको जो है अविलंब गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने के साथ साथ जो है वहाँ पे स्पीडी ट्रायल के तहत जितने आरोपी हैं उनको जो है फांसी की कम से कम फांसी की सजा दी जाए। मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि उनको जो है इस्तीफा लिया जाए और वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री जी जो सोए हुए हैं उनको भी जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन मांगों के साथ जो है हमारी पार्टी आज भोजपुर में अमित शाह जी का पुतला दहन किया है और हम चाहेंगे कि जो है हमारी ये मांगे पूरा हो। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।